मैं शरीर हूं का क्या अर्थ होता है? हम लगातार जो अनुभव करते रहते हैं हर एक श्वास श्वास में, उसमें ये होता है कि मैं शरीर हूँ। ऐसे कहने में तो हम कहते नहीं, एक गहरी आदत है, पुरानी आदत है। हमने इस जन्मों से ही नहीं, न जाने कितने जन्मों से अपने को शरीर मांगते आए हैं। तो इस कारण से ये बात अनकॉन्शियस माइंड में चली गई है, बहुत आदि में है। तो श्वास श्वास में हमको लगेगा कि मैं हूँ। जब हम मैं हूँ कहेंगे तो हमारे भीतर एक शरीर में भाव उत्पन्न होगा, जहां आपको लगेगा कि ये मैं हूँ। श्वास लेने में आपको लगेगा कि मैं हूँ। जब मैं हूँ आपको अनुभव होगा और आपके भीतर से शरीर का एहसास होगा, तब आप सम्मोहन में पड़ जाएंगे। क्योंकि ये सच बात तो नहीं है हम शरीर हैं, ये सच नहीं है, ये एक सम्मोहन है। हमने मान लिया किसी बात को कि ये सच है, वो सच हो जाती है। सच हो तो नहीं जाती है, मगर हमको लगने लग जाता है। कई सारे लोग हैं जो भूत प्रेत को मानते हैं, भूत प्रेत होते नहीं, मगर उनको लग जाता है कि भूत प्रेत है, उनको दिखाई भी पड़ जाता है। ऐसे बहुत सारे बीमार होते हैं, सिजोफ्रेनिया के बीमार हो जाएंगे, तो वो ऐसी ऐसी बातों को मानेंगे जैसे उनको वो अनुभव होने लग जाए। वो ऐसे दृश्यों को देखते हैं जो और आदमी नहीं देखते, वो खुद ही देखते हैं, है ना। बातचीत करने लग जाते हैं, जो जो पागल होता है उसको जो दिखाई पड़ता है, वो और लोगों को दिखाई नहीं पड़ता, मगर उसको वो सच दिखाई पड़ता है। उसको दिखाई पड़ता है कि चारों तरफ से सेना और पुलिस आ रहे हैं, उसको पकड़ के ले जा रहे हैं। वो चिल्लाता है, फिर बात करने लग जाता है, कानों में ऐसी आवाज आती है जैसे उसके बारे में लोग बात कर रहे हैं। तो ये उसको इसी तरह अनुभव में आता है जैसे हमको अनुभव आता है, मगर यहाँ वहां कुछ होता नहीं, ये सब मन का खेल होता है। वो मानता है उसको सत्य, मन में जो विचार आया उसने माना कि ये सच है। जितना वो सच मानेगा उस विचार को, उतना वो विचार सच होने लग जाता है और बाहर उसका प्रतिबिंब भी बन जाता है और बाहर आदमी भी खड़ा हो जाता है। तो ये आदत होती है, ये एक सम्मोहन होता है। तो इसी तरह बहुत सालों से हमने अपने को शरीर मान के आए हैं, हम विचार अपने को मान के आए हैं। हम जब भी माइंड में विचार चलते हैं, हम मानते हैं यही मैं हूं। ये जो विचार चला ये महत्वपूर्ण है, मेरा केंद्र है, हमको इस तरह लगता है। हम कहीं ना कहीं, हमारी गहरी आदत है ये। कहने में तो हम गुरुओं को सुनते हैं, प्रवचनों को भी सुनते हैं, तो कहने में तो कहेंगे कि मैं शरीर भी नहीं हूं, मन भी नहीं। कहने से क्या होगा, ये तो गहरे अनकॉन्शियस माइंड से आएगी ना बात। आपको लगातार अनुभव होता रहेगा, आप शरीर हो आप मन। आप देखिए, जब आप रात सोते हैं तो सोने में जब स्वप्न देखेंगे, तो स्वप्न में आपको ये शरीर ये मन अनुभव में नहीं आएगा, ये तो सो जाएगा। मगर जो स्वप्न में आपका एक शरीर क्रिएट हो जाएगा वहां, और वो शरीर भी मैं जैसा अनुभव होने लगेगा। तो आपको लगेगा ये बात असंभव है, मैं कैसे शरीर नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो शरीर ही शरीर अनुभव में आता है। तो हर एक आदमी को ये लगता है, ये अध्यात्म इसलिए लोगों को अंधविश्वास जैसा भी लगता है, असंभव लगता है, कैसे हो सकता है, क्योंकि मुझे तो ये शरीर ही अनुभव आता है लगातार, विचार ही अनुभव में आते हैं, और अध्यात्म में कहते हैं कि न मैं शरीर हूँ न मैं विचार हूँ, ये कैसे संभव होता है। मगर ये संभव होता है, ये संभव बहुत जगहों से होता है। अभी हमने कहा एक सिजोफ्रेनिया का बीमार है, उसको लग जाता है जो चीज हमको दिखानी पड़ती वो देख लेता है, जो सुनाई हम नहीं पड़ते उसको सुनाई दे जाती है। हमको भी जब हम रात स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में हमको भी ये सब चीजें दिखाई पड़ जाती है, स्वप्न में एक शरीर आ जाता है वहां। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका शरीर किसी जानवर का शरीर हो गया, आप एक जानवर हो और आप चल रहे हो, आप एक गाय हो गए सपने में, और आपको उस स्वप्न में लगेगा कि ये गाय ही मैं हूं, है। तो कोई आएगा आपको मारेगा तो आप वहां से भागेंगे घबरा के, तो उतना ही भय पैदा होगा आपको, जैसे दिन में आपको किसी ने मारा होता तो आपको भय होता। तो ये मान्यताओं से पैदा हुई बात है, इसको समझना है पहले, है
हम मानते हैं किसी चीज को सच है तो सच नहीं होकर भी वो हमको भ्रम खड़ा कर देती है, सच जैसा लग जाता है। इसी को मिथ्या कहा है शास्त्रों में, है? तो ये एक शरीर है, ये मिथ्या है, यह हम है नहीं है, मगर हमको लगता है कि ये हम हैं। जैसे स्वप्न है नहीं, मगर हमको स्वप्न देखते वक्त लगता है कि वो सच है। तो स्वप्न में आपका जो शरीर है भौतिक, ये तो खाट में सोया रहता है, मगर जो जंगल में आप स्वप्न में जा रहे हो, वहां पर जो शरीर है, क्या वो शरीर सच है? शरीर सच नहीं है, मगर वहां पर भी आपको लगता है कि ये शरीर सच है, मैं सच हूं। तो शरीर क्रिएशन कैसे होता है? क्या शरीर होने से शरीर क्रिएशन होता है, या हमारी मान्यताओं से शरीर पैदा होता है? हमारी मान्यताओं से शरीर मैं हूं पैदा हो जाता है, शरीर होने से शरीर का अनुभव नहीं हो जाता है ना। इसीलिए स्वप्न के बाद जब सुषुप्ति आती है, सुषुप्ति का अर्थ है ऐसी निद्रा जहां आप स्वप्न भी देख नहीं रहे हो और जगे भी आप नहीं हो, तो उस सुषुप्ति की अवस्था में आपको ये शरीर अनुभव में नहीं आता है। आपको न मन शरीर मन विचार अनुभव में आते हैं, न आता है, न शरीर अनुभव में आता है। ये सुषुप्ति की जो अवस्था है वो बड़े गहरा राज खोल देती है ना। ये जो कहा है शास्त्रों में जो सच है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, विचार नहीं, ये बात आपको कहाँ पर प्रमाणित हो जाती है? सुषुप्ति अवस्था में। क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में न शरीर बचता है, न आपका विचार मन बचता है, न आपका ये संसार बचता है, आप एकदम ब्लैंक हो जाते हो वहाँ, फिर भी आप होते हो। स्वप्न के बाद सुषुप्ति आती है, सुषुप्ति एक गहरी नींद है, उसे बहुत मजा आता है, आपको एक आनंद आता है, मगर वहाँ आपको मैं शरीर हूँ ये बात पता नहीं चलती, मैं मन हूँ ये बात भी पता नहीं चलती। अगर आप शरीर होते तो सुषुप्ति में भी आपको शरीर अनुभव में आता है, क्योंकि जिस तरह हम सोचते हैं कि मैं शरीर हूँ और इसके इसके साथ हम चिपकते रहते हैं, हमको लगता है कि जैसे शरीर के साथ मैं चिपक गया और छूटेगा नहीं और एक ही है। अगर ऐसा होता तो सुषुप्ति में क्यों शरीर अनुभव में नहीं आता? कभी आप ध्यान किए हो तो जो ध्यान करने वाले मित्र हैं उनको पता होगा कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो एकदम ब्लैंक हो जाता है, न विचार चलते हैं, न शरीर का अनुभव होता है। शरीर ऐसा अनुभव होता है जैसे कि ये है ही नहीं है, बहुत हल्का हो गया, जैसे कि आकाश में उड़ रहा, तो ऐसा हो गया। इस तरीके से अगर आपको शरीर अनुभव में आ रहा है तो यहाँ पर भी ये बात प्रमाणित हो जाती है कि आप शरीर नहीं हो, आप अपने को शरीर मानते हो, ये सच नहीं है, ये एक मान्यता है, ये बात यहाँ पर भी प्रमाणित हो जाएगी। तो ऐसे प्रमाणों के द्वारा आपको समझना चाहिए कि आप शरीर नहीं। तो ध्यान में आपको अनुभव होगा, जब आप शांत होकर ध्यान में बैठेंगे, विचारों को उपेक्षा करेंगे, उसको महत्व नहीं देंगे, तो विचार चलना बंद हो जाएगा है? तो विचार चलना बंद हो जाएगा, फिर शरीर का अनुभव भी बंद हो जाएगा। ये बहुत अद्भुत बात है, शरीर का अनुभव शरीर के होने से नहीं होता, विचार चलने के कारण होता है। शरीर के होने से आपको शरीर का अनुभव नहीं होता है, मैं शरीर हूं इस विचार को चलने से आपको शरीर का अनुभव होता है, है ना। जैसे कई लोग बेहोश हो जाते हैं तो बेहोशी में उसको पता नहीं चलता कि उसका शरीर है, क्यों? क्योंकि वहां पर विचार नहीं चलता, बेहोश है ना, विचार नहीं चलेगा तो आपको पता नहीं होगा कि आपका शरीर है। कोमा में जाते हैं बहुत सारे लोग किसी एक्सीडेंट के कारण, तो उनको पता नहीं चलता कि ये शरीर मैं हूँ, क्योंकि विचार नहीं होता। तो ये विचार ही है जो क्रिएट कर रहा है कि मैं शरीर हूँ। जिस शरीर को हम अनुभव करते हैं भीतर से बाहर से, ये शरीर वास्तव में ये शरीर नहीं है, वो विचारों का शरीर है ना। जैसे स्वप्न का एक शरीर है ना, स्वप्न का शरीर दूसरा है कोई, वो विचारों के द्वारा निर्मित शरीर है, ये वाला शरीर नहीं है। ये पंच भौतिक चीजों से बना हुआ शरीर, ये तो आपको खाट पे सोया हुआ, अगर जंगल में आप जा रहे हो स्वप्न में, तो वहां जो शरीर आपको अनुभव हो रहा है वो शरीर क्या है? विचारों के द्वारा निर्मित शरीर।
इसलिए हमको अभी भी जो शरीर अनुभव होता है ना, ये विचारों के द्वारा निर्मित शरीर अनुभव होता है, ये शरीर अनुभव नहीं होता। इसलिए बिना विचार के आप बैठो तो आपको लगेगा ये शरीर आप नहीं है, इसलिए ध्यान में आपको लग जाता है ये शरीर आप नहीं है, क्योंकि ध्यान में विचार बंद हो जाते, नहीं रह जाते हैं। कभी आप प्रयास करो, अगर आपके मन में कुछ भी विचार ना चले, और इन विचारों का जो केंद्रीय विचार है वो है मैं हूँ, है ये मुख्य विचार है, यही विचार आपको ये शरीर मैं हूँ, ये मन मैं हूँ, इस तरह का अनुभव करवाता है। तो मेन विचार है मैं हूँ और मैं ये शरीर हूँ, पहला विचार मैं हूँ, दूसरा विचार फिर मैं कौन हूँ, तो फिर ये शरीर हूँ। तो विचार ऐसे पैदा हो गया, हमको कहना पड़ा कि मैं हूँ। अब ये आदत है, ये बचपन से ही हमको अनिवार्य आवश्यकता है कि हमको कहना पड़ता है कि मैं हूँ, मैं कहना पड़ता है ना। तो मैं तो एक मान्यता होती है, एक कॉन्सेप्ट है, मैं हूँ बातचीत करने के लिए मानना पड़ता है। जैसे गेम होता है तो गेम में हमको बहुत रूल्स होते हैं, तो वो रूल्स सच नहीं होते, हम बनाते हैं उसको ताकि गेम खेलने में सहज हो जाए। इसी तरह मैं हूँ कहना भी गेम है, गेम खेलने के लिए है, रियल में मैं हूँ नहीं होता, मगर हम कहते हैं मैं हूँ, तो फिर बाद में कहते जाना पड़ता है हमको लगातार, तो फिर उसका आंसर आना चाहिए हमको कि कौन हूँ मैं, तो फिर हम कहने लग जाएंगे ये शरीर में हूँ, ये मन में चलते हुए विचार में हूँ। इस तरीके से विचार आगे बढ़ता जाता है, पहला विचार मैं हूँ, दूसरा विचार मैं शरीर हूँ, तीसरा विचार मैं मन हूँ, चौथा विचार मैं इस जात का हूँ, इस धर्म का हूँ, इस लिंग का हूँ, कारा हूँ, गोरा हूँ, धनी हूँ, गरीब हूँ, ये सब बातें बाद में आते जाए। तो विचारों का जंजाल ऐसे पैदा होता है, मगर इसमें मूल जो विचार था वो क्या था, मैं हूँ। तो ये विचार, अगर ये विचार ना आए आपके भीतर, मैं हूँ का विचार, अब ना हूँ की स्थिति में आप बैठ पाए तो आपके मन में विचार नहीं चलेंगे, क्योंकि विचार किसके लिए चलते हैं, मैं के लिए चलते हैं। हमारे मन में जो विचार चलते हैं वो विचार क्यों चलते हैं, इस पर रिसर्च करना चाहिए। ये विचार मैं की सुरक्षा के लिए चलते हैं, मैं वाले विचार की सुरक्षा के लिए अन्य विचार चलते हैं। मैंने कह दिया मैं हूँ, मैं ये शरीर हूँ या मैं बड़ा हूँ, तो फिर आप अन्य विचार आएंगे जो आपका इस मैं वाला विचार को प्रतिस्थापित करेंगे, है ना। वो विचार कल के बारे में होंगे, भविष्य के बारे में, भूत के बारे में ये विचार होंगे, दूसरे के बारे में विचार होंगे, ताकि आपके मैं को खड़ा कर सकें। जैसे आपको भविष्य के बारे में विचार आते हैं, भविष्य में ये होगा तो नहीं, कहीं वो तो नहीं होगा, इसका क्या अर्थ है, ये तो नहीं होगा कहीं मुझे तो उस मैं के सुरक्षा के लिए वो विचार आते हैं, अन्य विचार। इसलिए अगर मैं नहीं हूँ ये आपके मन में एहसास हो जाए तो और विचार नहीं चलेंगे, है विचारों की जड़ मैं हूँ ये है ना, तो मैं नहीं हूँ, तो इस तरह आप एहसास करेंगे अपने को कभी ध्यान में, ये खाली हो गए, मैं नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं। तो ऐसा करने से, ऐसे समझने से फिर आपके भीतर और विचार नहीं चलेंगे, और विचार नहीं चलेंगे तो फिर ये विचार भी नहीं चलेगा कि मैं शरीर हूँ, है मैं शरीर हूँ, ये तो दूसरा विचार है ना, पहला विचार क्या था, मैं हूँ। तो आपने मैं नहीं हूँ कह दिया तो अब आप शरीर कैसे हो सकते हो, क्योंकि आप मैं हूँ घोषणा करते थे तो उस मैं को होने के लिए इस शरीर के साथ उसको चिपकाना था, तो इसलिए मैं शरीर हूँ कहना पड़ता था, मगर अब आप कह रहे हो मैं नहीं हूँ, तो मैं नहीं हूँ कहेंगे तो फिर उस मैं को टिकाने के लिए शरीर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो कहना नहीं पड़ेगा कि फिर आपको मैं शरीर हूँ, कहना नहीं पड़ेगा कि मैं मन हूँ, कहना नहीं पड़ेगा मैं बुद्धि हूँ, कहना ही नहीं पड़ेगा, आपको विचार ही नहीं आएंगे, तो फिर आपको ये शरीर अनुभव में नहीं आएगा, ये मन भी आपको अनुभव में नहीं आएगा। तो मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, मैं तो विशुद्ध हूँ, असंग हूँ, निर्विचार हूँ, साची हूँ, आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ। ये चैतन्य का अनुभव आपको
उसी अवस्था में होगा, जिस अवस्था में आपके सारे भ्रम खत्म हो जाएंगे। विचारों के द्वारा निर्मित जो संसार है, जो माया है, जो मिथ्या है, वो नहीं रहेगा, तो फिर जो है उसके साथ आपका मिलन हो जाएगा, उसका परिचय आपके साथ मिल जाएगा। मगर विचारों ने पर्दे का काम किया है और आप मान रहे हो मैं हूं, और मान रहे हो कि मैं शरीर हूं, और मान रहे हो कि ये मेरा है, ये उसका है, तो इसके कारण जो आप वास्तविक हो वो चीज आपको कैसे अनुभव में आ सकती है? आप तो किसी और बात को मान रहे हो ना, जो सच है उसके तो उसको तो आप जान नहीं पा रहे हो। तो जो सच है उसको जानना है, तो जो सच नहीं है उसको छोड़ना है। क्या सच नहीं है? मैं हूं, ये बात सच नहीं है। मैं कैसे हो सकता हूं, इस पर आप अच्छे से मनन करना है। आप मैं लगातार कहता हूं ना अपने को, मैं हूं हूं हूं, तो एक बार आप प्रश्न करें कि आप कैसे हो सकते हो। मैं हूं का क्या अर्थ होता है? मैं हूं का अर्थ होता है कि मैं कुछ अलग हूं। मैं यानी इस संसार में जितने भी हैं उस सबसे अलग एक टुकड़ा मैं। तो वो मैं इस तरह क्या हो सकता है? टुकड़ा किसी भी दृष्टि से हो नहीं सकता। जैसे आपका शरीर है, ये शरीर भी टुकड़ा नहीं है, ये शरीर भी जुड़ा हुआ है। इस शरीर के अंदर लगातार सांस डालनी पड़ती, ऑक्सीजन डालना पड़ता है। अगर इसके अंदर सांस नहीं डाली जाए तो ये शरीर विनष्ट हो जाएगा। तो कैसे शरीर अलग हो गया फिर? इस शरीर के अंदर लगातार पानी डालना होता है, इस शरीर के अंदर अन्न डालना होता है, और वायुमंडल के साथ, पृथ्वी के साथ इसको जुड़े रहना है। पृथ्वी नहीं होगी, ये शरीर भी नहीं। तो ये जो शरीर है ये तो जुड़ाव है ऑक्सीजन का, पानी का, अन्न का, सूरज का, पृथ्वी का, इन्वायरमेंट में ये शरीर जुड़ा है, कनेक्टेड है, ये अलग नहीं है। मगर हम क्या कह रहे हैं? इस शरीर को मैं कह रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? हम इसको टुकड़ा बना रहे हैं, जो टुकड़ा ये है नहीं। ऐसे ही हम कह रहे हैं मन में चलते हुए विचारों को, मैं विचार हूं। मगर जो विचार हमारे मन में चल रहे हैं वो भी बाहर से आया हुआ, सोसाइटी से आया हुआ विचार है, है ना? हमारा अपना विचार तो नहीं है ना। हमने जो भी विचार हमारे मन में चलते हैं वो बाहर से ही आया। हमने जहां से सीखा, जिस लैंग्वेज को हमने सीखा, जिस शास्त्रों को हमने अध्ययन किया, जिन विश्वासों को हम मानते हैं, संस्कृति को हम मानते हैं, तो वही विचार हमारे माइंड में चलते हैं। तो इसका अर्थ है हमारे माइंड में भी इसी तरह विचार चलता है जैसे हमारे शरीर में ऑक्सीजन आती है जाती है, हवा आती है भीतर जाती है, जैसे हमारे माइंड में बाहर से विचार आते हैं जाते हैं। तो हम मैं शरीर ये मन को भी मैं हूं कैसे कह सकता हूं, कैसे मैं हो सकता हूं? मैं होने के लिए टुकड़ा होना चाहिए ना, मैं होने के लिए वो दूसरों से अलग होना होगा, तभी हम उस चीज को मैं कह सकते हैं। अगर आप सच में ही हो तो आप इस तरह आपको होना चाहिए कि जैसे पृथ्वी से अलग करके भी आप हो सके, इस ऑक्सीजन से, इस जल से, पृथ्वी से, इस सिस्टम से आप अलग तो रह नहीं सकते अकेले। तो आप अलग तो हो नहीं, मगर आप कह रहे हो कि मैं हूं। तो यहां पर क्या हो रहा है? हम जो चीज सच नहीं है उसको हम मान रहे हैं, और मैं हूं जो हम कह रहे हैं, मैंने कहा ये गेम के कारण है। हमको समाज में गेम खेलना है ना, दूसरे के साथ बातचीत करना है, व्यवहार करना है, तो अपने को मेरा है, मैं हूं तो कहना पड़ता है, और दूसरे को भी हमको पुकारने के लिए नाम देना पड़ता है, इसलिए हमारा नाम है। मगर ये सब काम चलाऊ है, ये सत्य नहीं है, है ना? जैसे गेम के नियम होते हैं ना, तो सत्य नहीं होते, हमने जैसा मान लिया ऐसा ही होता, उसमें कोई सच नहीं होता, है ना? कोई एक गेम है तो हम एक नया नियम बना के भी उस गेम को खेल सकते हैं। उस गेम का जो रूल है उसका कोई नियम, कोई सत्य नहीं है वो, मगर वो व्यवहार में खेलने के लिए वो आवश्यक है, इसलिए बनाई गई। इसी तरह भाषा निर्मित है, इसलिए भाषा बनाई गई है ताकि हम एक दूसरों से बात कर सके, मगर भाषा सत्य नहीं है। मगर इस भाषा से आया हुआ जो भाव है ना, मैं हूं, इसने हमको उलझा दिया, इसने हमको सम्मोहन में
ले डाला है। लगातार हम कहते गए कि मैं हूँ, मैं शरीर हूँ, मन हूँ, तो हम मन ही हो गए, शरीर ही हो गए। लगातार हमको इसी शरीर के अंदर रह के इसी का अनुभव कर, इसी के बोझ के नीचे दब के हमको जीना पड़ता है, तो यही भ्रम है। तो इस भ्रम को आने के लिए इस तरह से आपको मैं कैसे हो सकता हूँ इस बात पर मनन करना है, और इसको प्रैक्टिकली जानना भी है। केवल ऐसे बात करके नहीं होगा, आपको कुछ साधना भी करनी, कुछ ध्यान भी करना है। इस तरह आपको बैठना है कि जैसे आपके मन में मैं ना हूँ, नहीं हूँ, ये एहसास हो जाए और विचार चलना बंद हो जाए। और फिर आपको जब अनुभव होगा कि आप शरीर हो ही नहीं, मन गायब हो गया, शरीर गायब हो गया, फिर भी आप बचे एक अस्तित्व के रूप में, एक बोध के रूप में, होश के रूप में, ये जो बात आपको अनुभव में आएगी तो वहां पर ये बात फैक्ट हो जाएगी, शास्त्रों में कहा। मित्रों, इस तरह अगर आप मेरे साथ रह के इस तरीके का अनुभव करना चाहते हैं तो 20-25 अक्टूबर में ऋषिकेश में एक सत्संग का प्रोग्राम हो रहा है, वहां पर आप मुझे आके मिल सकते हैं। वहां आने के लिए आप जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ नोटिस है उसको देखें और वहां जाकर चैट करें। थैंक यू।